हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आप सबके लिए डेली बेसिस पे बेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसे कि आज के सेशन में 50 एमसीक्यूज हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि ये 2024 का जो वीडियोज है प्रैक्टिस ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए, ये 17वां वीडियो है। जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल चैप्टर का थ्योरी सेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मैं बीपीएससी टीयर 2 में इंग्लिश और हिंदी दोनों में 79-80 वीडियोज का चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है। उस सारे वीडियोज आप जरूर देखें एंड डेली बेसिस में जो आप सबको प्रैक्टिस करा रही हूँ, सभी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 50 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस देखिएगा, इजी टू मॉडरेट वाला है। तो दोस्तों, सभी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं है कि केवल हार्ड होते हैं, एकदम इजी से इजी भी होता है। जहाँ पे आप इजी से इजी क्वेश्चंस गलती करते हैं वहीं पे आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान रखना जरूरी है। चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, IOA का गठन कब हुआ? IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? ये चीज आप सबको पता है, 1927 में सर दुराबजी टाटा के द्वारा किया गया और IOA के वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा जी हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है IOA की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है? जैसे कि दोस्तों, उद्घाटन करता है मेजबान देश का अध्यक्ष या राष्ट्रपति, लेकिन समाप्ति की घोषणा प्रेसिडेंट ऑफ IOC यानी कि IOC का अध्यक्ष करता है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो अध्यक्ष होता है वो ओलंपिक खेलों की समाप्ति की घोषणा करता है। ओलंपिक खेल की शुरुआत मशाल जलाने से शुरू होती है और जो समाप्त होता है मशाल को बुझाने से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको ओलंपिक खेलों की मेजबानी दी जाती है? दोस्तों, तो सभी देश अपने अपने दावा करते हैं शहर के साथ, तो उस देश के जिसमें ओलंपिक खेल आयोजन करना है वो IOC उसको चुनता है, उसके शहर को यानी कि नगर को मेजबानी दी जाती है। नेक्स्ट है, दिवसों की दृष्टि से कौन सा ओलंपिक सर्वाधिक लंबा था? तो दोस्तों, 1908 लंदन ओलंपिक जो है दिनों की दृष्टि से सर्वाधिक लंबा था, 187 दिन यानी 6 महीने 4 दिन तक चला था। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है और 16 दिन तक चलता है, तो जो 16 दिन का समय है वो 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक से शुरू हुआ है कि ओलंपिक खेल 16 दिन का होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में कौन से इवेंट्स पेंटाथलान में शामिल थे? तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल में दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक, कुश्ती और भाला फेंक शामिल था, लेकिन मॉडर्न पेंटाथलान में, पेंटा का मतलब होता है 5 और थलान का मतलब होता है पत्तियां, 5 पत्तियां, और इसमें 5 इवेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको जो डेकाथलान, पेंटाथलान, हेप्टाथलान एंड ट्राइथलान है इसके बारे में शॉर्ट में मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, वो वीडियो आप एथलेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो पेंटाथलान के अंतर्गत 5 इवेंट्स होते हैं, तलवारबाजी यानी फेंसिंग, तैराकी फ्री स्टाइल, हॉर्स रेस जंपिंग, निशानेबाजी एंड क्रॉस कंट्री दौड़। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में आधुनिक पेंटाथलान का सुझाव किसने दिया था? तो बैरन पियर डी कोबर्टिन ने आधुनिक पेंटाथलान कराने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के प्रतिपादक पियर डी कोबर्टिन किस देश के निवासी थे?
ये फ्रांस के थे। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय कप्तान ओलंपिक खेलों के दौरान पहली बार विजय स्तंभ चढ़ा था? तो आप सबको पता है जो भारत है आधिकारिक रूप से 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में शामिल हुआ था और उस समय हॉकी में भारत पहली बार स्वर्ण पदक जीता था और उसके कप्तान थे जयपाल सिंह और इन्होंने पहली बार विजय स्तंभ पर चढ़ने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि भारत अभी तक हॉकी खेल में ओलंपिक में कुल 12 पदक जीता हुआ है जिसमें से 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक जीता हुआ है और जिसमें से 1960 में रजत पदक, 1968, 1972, 2020 टोक्यो ओलंपिक इसमें 3 कांस्य पदक और 28 से 80 के बीच में पूरा स्वर्ण पदक जीता हुआ है, यानी कि 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक यानी कुल 12 पदक जीता हुआ है। बात करें अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, तो वहां पे हो जाएगा 8 आपका हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, 1 2008 में निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था 9 हो गया, 1 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है 10 हो गया, यानी कुल 10 स्वर्ण पदक ओलंपिक में अभी भारत ने जीता हुआ है, 8 हॉकी 1 निशानेबाजी 1 भाला फेंक में। नेक्स्ट है, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन चक्र के साथ फेफड़े से बाहर या अंदर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो हम सामान्य श्वसन ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि आप ले रहे हैं जो वायु अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ भी आपको मैंने डिटेल में श्वसन तंत्र में बताया हुआ है कि वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, कंप्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर, रेसिडुअल एयर और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है। वाइटल कैपेसिटी होता है कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है, यानी कि ये फेफड़े की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा वाह श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस सप्लीमेंट्री एयर, सॉरी दोस्तों, टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। तो टाइडल वॉल्यूम वो होता है जो हम सामान्य श्वसन में श्वास को अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एयर होता है कि सामान्य श्वास के बाद पूरी यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफों में लिया जाए तो वो 3000 ml होता है, और सप्लीमेंट्री एयर जो होता है जो गहरी श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना यानी एक्सपायरेशन करना परिशिष्ट वायु कहा जाता है, 1100 ml होता है, एंड रेसिडुअल एयर वो होता है जो पूरे बल के साथ एक्सपायरेशन यानी वाह श्वसन के पश्चात जो फेफड़ों में बची हुई हवा होती है उसको रेसिडुअल एयर कहा जाता है। तो वाटर कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, कॉम्प्लीमेंट्री एयर 3000 ml एंड सप्लीमेंट्री एयर 1100 ml, कुल मिलाकर के 4600 ml होता है वाटल कैपेसिटी। और आपको आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि फेफड़ों की कुल क्षमता, तो फेफड़ों की वह कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है उसको फेफड़ों की कुल क्षमता यानी टोटल लंग कैपेसिटी कहा जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र है वाटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाटल कैपेसिटी 4600 ml होता है और रेसिडुअल एयर यानी अवशिष्ट वायु जो होता है बची हुई वायु होता है फेफड़ों के अंदर वो होता है 1200 ml, पूरा मिला के आप 5800 ml हो जाता है यानी कि 5.8 liter जो है टोटल लंग कैपेसिटी होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों आपको पता है कि आपका जो हार्ट रेट होता है हृदय धड़कन प्रति मिनट 72 होता है, लेकिन जब आप कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी या ट्रेनिंग करते हैं उस कंडीशन में आपका हार्ट रेट 180 पर मिनट पहुंच जाता है, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज या प्रशिक्षण करते हैं तो प्रशिक्षित हो जाने पर आपका जो हार्ट रेट होता है 40 से 50 पर मिनट हो जाता है,
यानी जितना आपका सामान्य श्वसन होगा उतना आपकी सहनशीलता होगी। तो एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में हृदय का मिनट आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो मिनट आयतन जो है वो घटेगा, क्या करेगा, घटेगा। एकदम लॉजिकली आप क्वेश्चंस को देखिए और उसको समझिए। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे निर्मित होता है। तो दोस्तों मैं आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में डिटेल में बताई हूँ कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है उसकी इकाई होता है सबसे छोटी न्यूरॉन होता है, और जो नर्वस सिस्टम होता है ये तीन प्रकार का होता है, CNS, PNS, ANS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर को राइट होगा, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। एंड CNS, PNS, ANS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, दूसरा होता है PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 43 जुड़े नाड़ियाँ निकलती हैं, जिसमें से दिमाग से यानी कॉग्निटिव नाड़ी 12 जुड़े निकलती हैं, एंड स्पाइनल कॉर्ड से 31 जुड़े नाड़ियाँ निकलती हैं। फिर तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह शरीर के सभी आंतरिक अंगों, जैसे कि हमारा जो सेंटर CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये वह अंगों को जो है कंट्रोल करता है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे अंदर जो आंतरिक अंग होते हैं जैसे कि पैंक्रियाज, स्टोमच, लीवर, इंटेस्टाइन यानी आंत, रक्त वाहिनियां की तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है, जो मतलब मेरे इच्छा अनुसार नहीं होता है, अपने आप होता है, ऑटोनॉमिक मतलब कि अपने आप संचालित हो रहा है, यह मस्तिष्क के आदेशों पर निर्भर नहीं करता है, यह क्रियाओं को उत्प्रेरित व कुछ क्रियाओं को शिथिल भी करता है। जैसे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वह दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो गुस्सा के समय, उत्तेजना के समय यानी कि द्वंद प्रतिद्वंद प्रणाली के समय पूरे बॉडी में अवक्षेप करता है और हमें कार्यवाही के लिए तैयार करता है, विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार करता है, सिंपैथेटिक यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और यह खतरा, भय, दुख, शोक आदि स्थिति में कार्य करता है। इसका प्रभाव जैसे कि नेत्र की पुतली फैल जाती है, लार का बनना बंद हो जाता है, पाचक एंजाइम निकलना बंद हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीना निकलने लगता है, हृदय धड़कन तेज हो जाती है, उसज अंगों की पेशियां शिथिल पड़ जाती है। और इसका जस्ट उल्टा होता है पैरासिम्पैथेटिक यानी परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जो आराम की स्थिति में आश्रयदाता प्रणाली भी इसको कहा जाता है। इसमें प्रेम, खुशी, हर्ष यानी शांत और विश्रामावस्था में प्रभाव होता है, एक्टिव रहता है पैरासिम्पैथेटिक, जैसे कि नेत्र की पुतली सिकुड़ती है, श्वेत ग्रंथि से पसीना के स्त्राव को घटाता है, लार ग्रंथियों का स्त्राव को घटाता है यानी सॉरी बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक आराम की रिलैक्स मूड में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, खुशी से, तो उस समय जो का आपका लार ग्रंथि से जो पाचक एंजाइम होता है वो बढ़ता है, जिससे पाचन अच्छा होता है, हृदय स्पंदन को घटाता है, नॉर्मल होता है, श्वसन दर तथा रक्तचाप को भी कम करता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम नियंत्रित करता है। तो दोस्तों जो हम कुछ कार्य कर रहे हैं अपने पेशियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, वो सभी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा नियंत्रित करता है, जैसे हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, तो यह बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, बाह्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को जो है यह एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस को कंट्रोल करता है, जबकि इंटरनल जो है आंतरिक को करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या नियंत्रित करता है, जस्ट मैं बताई, जो मोटर चीजें होती हैं, गति वाले चीजें होती हैं, वाह चीजें पर्यावरणीय होती हैं, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। जो आंतरिक चीजें है जो अपने आप हो रहा है, जैसे कि हमारा स्टोमच, इंटेस्टाइन, हमारा आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय एंड अमाशय, लीवर, ये सभी चीज अपने आप कार्य कर रही हैं, इन सबको कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक पर्यावरणीय परिवर्तनों को।
नेक्स्ट दोस्तों एक्सॉन की भूमिका आवेगों को ले जाना है। तो एक्सॉन क्या होता है, बार बार मैंने बनाया हुआ है, जो हमारा एक्सॉन होता है ये आपका डेंड्रॉन है, डेंड्राइट है, ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है कि तीन भाग होते हैं, सेल बॉडी जो बीच वाला होता है सेल बॉडी है, ये डेंड्रॉन है, ठीक है, ये डेंड्रॉन्स है और ये आपका हुआ है एक्सॉन। तो दोस्तों डेंड्रॉन क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को आवेगों को प्राप्त करता है और प्राप्त करके सेल बॉडी यानी केंद्र की ओर ले जाता है, और सेल बॉडी से संदेशों को जो एक्सॉन होता है वह दूसरे न्यूरॉन की ओर या हमारे कार्यकारी अंगों या पेशियों तक ले जाता है। तो फिर न्यूरॉन से दूर, सेल बॉडी से दूर ले जाता है कौन, यानी प्रेशर करना, भेजने का काम करता है एक्सॉन और प्राप्त करने का काम करता है दूसरे न्यूरॉन से संदेशों को डेंड्रॉन। तो यहाँ पे एक्सॉन की भूमिका आवेगों को ले जाना होता है कहाँ, तो यह आवेगों को तंत्रिका से दूर ले जाता है, ऑप्शन नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स की भूमिका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से आवेगों को संचित करना, उन्हें ले जाना होता है। तो डेंड्राइट्स का होता है संदेश प्राप्त करता होता है और संदेशों को लेकर के सेल बॉडी की ओर ले जाता है, तो यहाँ पे तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक यानी किडनी के ऊपर स्थित खंड में स्थित ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, तो एड्रिनल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में कौन श्लेष्मक ग्रंथि यानी कि साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है, तो दोस्तों जैसे कि हमारी जो संधियां होती हैं, ज्वाइंट्स होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, अचल, अचल, अधचल और चल संधि। तो अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट या तंतु संधि भी कहते हैं, जिसमें हमारा खोपड़ी का संधि जिसे सूचन कहते हैं एंड गोम्फोसिस या पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट जो दांतों का जोड़ होता है वो आता है, एंड सिंडमोसिस जो एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट होता है वो आता है, तीन चीजों के, ठीक। दूसरा होता है अर्धचल संधि जिसे हम सिग्ली मूवेबल ज्वाइंट, कॉर्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जानते हैं, जिसमें बहुत कम गति होता है, जैसे कि इंटरवर्टिबल ज्वाइंट जो हमारे रीढ़ की हड्डी का ज्वाइंट होता है, एंड प्यूबिक सिम्फेसिस जो टेल बोन के पास का जोड़ कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा होता है, एंड हमारा जो रिब्स है पसलियों का ज्वाइंट, ये सभी होता है आपका अर्धचल संधि। तीसरा होता है चल संधि जिसे साइनोवियल ज्वाइंट, यहाँ पे साइनोवियल ज्वाइंट यानी चल संधि के बारे में पूछा हुआ है कि कौन नहीं है, तो चल संधि जिसे फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से जाना जाता है, और इसमें तीन तलों में से किसी भी तल में गति होती है। ये छह प्रकार का होता है साइनोवियल ज्वाइंट, जिसमें से पहला है ग्लॉडिक ज्वाइंट जो हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे पर फिसलती है, जैसे कॉर्पस टॉर्सस ज्वाइंट। दूसरा होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जिसे कंदुखलिका संधि कहते हैं, इसमें हड्डी का एक गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सिरों में फंसा रहता है और सभी दिशाओं में गति होती है, जैसे शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट जिसे कब्जा संधि या कोर संधि भी कहा जाता है, हिंज ज्वाइंट जो एक तल में गति करता है एक ही दिशा में, जैसे कोई दरवाजा एक ही तरफ मुड़ सकता है उसी प्रकार हिंज ज्वाइंट में एक ही तरफ गति होता है, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़। एंड चौथा होता है कॉन्डिलॉयड ज्वाइंट जिसे स्थूलक संधि भी कहते हैं, इसमें दो तलों में गति होता है, जैसे रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़। पांचवा होता है धुराग्र संधि यानी पीवट ज्वाइंट जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। इसमें एग्जांपल है सिर की गति यानी कि गर्दन पर घूमता है गर्दन का ज्वाइंट, और रेडियस अल्ला हड्डी के ऊपर प्रोनेशन और सुपाइनेशन जैसे घूर्णन गति करती है। और छठा होता है सैडल ज्वाइंट या पृष्ठ संधि जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है और किसी भी दिशा व तल में गति होती है सैडल ज्वाइंट में, जैसे कि ट्रेपेजियम तथा प्रथम मेटाकॉर्कल अस्थि की संधि जिसमें अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है।
तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों कौन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन है, तो कोर संधि यानी हिंज ज्वाइंट भी है, पियर ज्वाइंट भी है, सैडल ज्वाइंट भी है, पर तंतुमय संधि यानी फाइबर्स ज्वाइंट नहीं है क्योंकि यह अचल संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किस संधि की संरचना सिर्फ एक दिशा में झुकाव का अवसर देती है, अभी जस्ट मैं बताई हूं, तो ये होता है आपका हिंज ज्वाइंट यानी कि कोर संधि, जिसे कब्जा संधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आता है। नेक्स्ट है स्कंद संधि यानी शोल्डर ज्वाइंट किसका प्रारूप है, तो अभी जस्ट मैं बताई हूं जो किसी भी दिशा तल में गति करता है। दोस्तों यहाँ पे सभी दिशाओं में गति होती है, 360 डिग्री घूम जाता है, तो कंदुक खोली का संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। नेक्स्ट है जानु संधि यानी नी ज्वाइंट यानी कि घुटने का जोड़ कौन सा संधि का उदाहरण है, तो यह हिंज ज्वाइंट यानी कोर संधि का उदाहरण है जो एक तल में गति होता है। तो हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़ आता है। नेक्स्ट है नितंब संधि हिप ज्वाइंट उदाहरण है, तो हिप ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट दोनों बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के उदाहरण है, किसके हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के उदाहरण है कंदुक खली का संधि की। नेक्स्ट है उंगलियों यानी कि फ्रेंचियस की संधि कौन सी संधि है, तो अभी जस्ट में बताई हूं नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये सभी हैं कोर संधि यानी कि हिंज ज्वाइंट, जिसे कब्जा जोड़ भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जमीन पर सीधी खड़ी लंबित रेखा इमेजरी लाइन कहलाती है, तो दोस्तों यहाँ पे सीधी खड़ी की बात कहा है, इस प्रकार से आपका लाइन रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल, तो वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे राइट होगा, क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि आपको पता है जो प्लेन एंड एक्सिस दोनों तीन तीन होते हैं, प्लेन जो होता है सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल, तीन प्रकार का होता है। फ्रंटल सेजिटल एक्सिस प्लेन जो होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट होता है। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं, और दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन जो इसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट्स। तीसरा प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जिसे शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है एंड गति ऊपर नीचे भी होती है, जैसे कि रोटेशन एलिवेशन मूवमेंट। और जो एक्सिस होता है एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके चारों ओर गति होती है, ये भी तीन होते हैं, जैसे कि फ्रंटल एक्सिस, सेजिटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस जिसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं या सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है, वही गतियां होंगी जो सेजिटल प्लेन के अंतर्गत होता है। अगर आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन मोमेंट पूछेगा किस कौन सा प्लेन और कौन सा एक्सिस रहेगा, तो फ्रंटल एक्सटेंशन मोमेंट जो होता है वो सेजिटल प्लेन में होता है, और उसका जो एक्सिस होगा जस्ट उल्टा होगा यानी फ्रंटल होगा, क्योंकि फ्रंटल एक्सिस जो होता है सेजिटल प्लेन के लंबवत होता है। उसी प्रकार सेजिटल एक्सिस जो होगा उसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस कहेंगे, और गतियां वही होंगी, सेजिटल प्लेन फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, जस्ट उल्टा होता है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है। तो सेजिटल एक्सिस जो है फ्रंटल प्लेन के लंबवत होता है, तो गतियां वही होंगी जो फ्रंटल प्लेन में होती है, जैसे कि फ्रंटल प्लेन आगे पीछे भागों में बढ़ता है, गति दाएं बाएं साइड बेंडिंग होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। तो जब एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट होगा वहां भी पूछेगा कि कौन सा एक्सिस और कौन सा प्लेन है, तो प्लेन हो जाएगा फ्रंटल प्लेन और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सेजिटल एक्सिस। और तीसरा एक्सिस होता है वर्टिकल एक्सिस, जो सीधी सीधी जिसे जो आपको पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत होता है। एंड नेक्स्ट है प्रत्येक संचलन ऑपरेशन में होता है, तो प्रत्येक संचलन में वन एक्सिस एंड वन प्लेन होता है, एक धुरी और एक तल होता है। नेक्स्ट है सीखने का कौन सा नियम बतलाता है कि बौधा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जाने वाली बातें सबसे अधिक याद रहती हैं, तो दोस्तों
अभ्यास के नियम के अंतर्गत यह आता है। अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का भी नियम कहा जाता है। जैसे कि थॉर्नडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, जिसे तैयारी या माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, जैसे कि हम किसी कार्य को या खेल को खेलने से पहले वार्मिंग अप करके हम अपने आप को तैयार करते हैं। और दूसरा होता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास पर आधारित है, अभ्यास कुशल बनाता है। इसको उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, जिसे परिणाम प्राप्ति का नियम या संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या संतोष असंतोष का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रथम होने की स्थिति मजबूत प्रायः अनुपयोगी असर छोड़ती है, यह है। तो दोस्तों, यह प्रथम होने का जो है अपने आप को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है, तो यहाँ पे प्रमुखता का नियम लॉ प्रोमिनेंस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिल्कुल हाल में सीखे गए कार्य सबसे अधिक किए जाते हैं। तो दोस्तों, तुरंत जो आप सीखे गए कार्य हैं सबसे ज्यादा किया जाता है, उसका प्रभाव आप पे रहता है, तो ये प्रभाव के नियम पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट है सीखने का निम्न स्तर क्या है। तो दोस्तों, सीखने का निम्न स्तर आपका हो जाएगा ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन एंड फिर आपका विश्लेषण संश्लेषण, फिर उसके बाद कोरिलेशन होगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी, चिंता, उदासी निर्मित व्यक्तित्व के किस आयाम यानी डिमिनेशन के लक्षण हैं। तो दोस्तों, ये सभी लक्षण हैं मध्यवर्ती क्लास का, मिडिल क्लास का। नेक्स्ट है इनमें कौन रुचि अनुकूल व्यक्तित्व का सहज गुण नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका परार्थवाद यानी काइंडनेस, एक हम्बल व्यक्ति, ये अनुकूल व्यक्तित्व का सहज गुण है। विश्वास फेथ भी है, सील गुण भी है, बट जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट है फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी में जन्मजात जैव मूल प्रवृत्तियां और प्रेरणाएं किसका संकेत देती हैं। तो ये काम तत्व इद का संकेत देती हैं। नेक्स्ट है सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत पावलाव ने दिया, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। नेक्स्ट है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, मानव शिशु कैसा व्यवहार करता है। तो दोस्तों, शिशु कैसा व्यवहार करता है, जैसे आसपास के लोगों को देखता है वही सीखता है, तो समाज के प्रत्याश अनुसार यह कार्य करता है। नेक्स्ट है समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है यानी सोशलाइजेशन एक कैसी प्रोसीजर है। तो दोस्तों, यह अंतःक्रिया होता है समाज और बच्चे में, दोनों में अंतःक्रिया, तो अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, ठीक है, इंटरैक्टिव। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। तो यह सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के द्वारा जो है मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है टॉप डाउन लॉजिक किस प्रकार के रीजनिंग के कहा जाता है। तो यह निगमनात्मक डिफेक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशेष को तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तर्क की प्रक्रिया है आगमन निगमन पद्धति, जिसमें से सामान्य से विशेष पद्धति से सिखाया जाता है निगमन पद्धति में, किसमें, निगमन पद्धति में, जबकि आगमन में विशिष्ट से सामान्य होता है।
नेक्स्ट है तर्क यानी लॉजिक करने की प्रक्रिया निम्न से कौन सी है, तो दोस्तों आगमन और निगमन दोनों है, यहाँ पे ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तर्क द्वारा निम्न में से किसकी जांच की जाती है, तो दोस्तों तर्क द्वारा जांच किया जाता है परिकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट है तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों किसी भी चीज का अंतिम सोपान मूल्यांकन होता है, उसका इवोल्यूशन होता है, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, कितना परफॉर्म अच्छा हुआ है। नेक्स्ट है राउंड रॉबिन की डबल लीग पद्धति में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, तो दोस्तों लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में दो प्रकार का होता है, सिंगल लीग और डबल लीग। तो सिंगल लीग ज्ञात करने का सूत्र होता है यन ईयर माइनस वन अपॉन टू, जबकि डबल लीग का मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है यन यन माइनस वन। नेक्स्ट है प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या अधिक होने पर उन्हें विभिन्न ग्रुपों में किस पद्धति में बांटा जाता है, तो वह पद्धति होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, संयुक्त प्रतियोगिता। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, जब टीमों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वहां पे टीमों को ग्रुपों में यानी कि बांट दिया जाता है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट चार प्रकार का होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वह चार प्रकार का होता है, नॉक कम नॉकआउट, नॉक कम लीग आउट, लीग कम लीग आउट एंड लीग कम नॉक। और जो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप होता है वो लीग कम नॉकआउट के आधार पर होता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है, संयुक्त प्रतियोगिता यानी कॉम्बिनेशन अभी जस्ट बताई हूँ, तो संयुक्त प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट भी है, लीग कम लीग भी है एंड नॉक आउट कम लीग भी है, बट कॉव वेव टाइप नहीं है, कॉव वेव टाइप नहीं है, क्योंकि कॉव वेव टाइप जो होता है वह चैलेंज टूर्नामेंट के अंतर्गत आता है। टूर्नामेंट चार प्रकार का है, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट है पिरामिड टॉय, किंग टाइप और कॉव वेव टाइप प्रतियोगिता किस पद्धति के प्रकार हैं, तो दोस्तों ये प्रकार है चैलेंज टूर्नामेंट यानी चुनौती प्रतियोगिता। चैलेंज टूर्नामेंट जैसे कि जो अक्सर बैडमिंटन, टेनिस एंड इस प्रकार के खेलों में होता है, जैसे कि लैडर टाइप, ये दो प्रकार का होता है, लैडर टाइप सीढ़ी प्रकार एंड पिरामिड टाइप। पिरामिड टाइप भी दो प्रकार का होता है, किंग्स टूर्नामेंट एंड कॉव वेव टूर्नामेंट। कॉव वेव टूर्नामेंट को स्पाइडर वेव विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ यानी स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है, तो 400 मीटर ट्रैक को स्टैंडर्ड ट्रैक माना जाता है। नेक्स्ट है आदर्श धावन पथ में सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी होती है, तो 84.39 मीटर होती है। नेक्स्ट है निम्न में से एक और शाब्दिक नॉन वर्बल का उदाहरण है, यहाँ पे आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन परीक्षण उदाहरण है। नेक्स्ट है यदि एक 10 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक के सभी परीक्षणों को करने में समर्थ है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो दोस्तों इसको बुद्धि लब्धि निकालने का यहाँ पे 70 होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, एम ए बटा सी ए गुणे 100 आई क्यू क्षमता निकालने का, यानी कि मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100 होगा, ठीक है। तो एक 10 वर्षीय बालक 7 वर्षीय बालक के सभी परीक्षणों को करने में समर्थ है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 70। नेक्स्ट है हमारा देश अंग्रेजों के अधीन लगभग कितने वर्षों तक रहा था, दोस्तों तो यहाँ भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है, 1942 दिया हुआ है, बट 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन
दिया हुआ था। और जैसा कि देश आजाद 15 अगस्त 1947 को हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में और जो प्रोफेसर हॉकिंस जो है आया था जहांगीर के दरबार में, जीके भी क्वेश्चन बन सकता है। और 1600 से लेकर 17, 18, 19 यानी कि 200-300 वर्षों तक राज किए, तो करेक्ट आप ढूंढ लीजिएगा। तो दोस्तों आज था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जिसमें डाउट होगा कमेंट में बताइएगा, डाउट क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। एंड दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।